इंदौर सिंधी कॉलोनी मोबाइल एसोसिएशन में पुलवामा में मारे गए शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वे अपनी दुकान बंद रख कर 2 मिनट का मौन रखा और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। इंदौर से संदीप बुले की रिपोर्ट। इन कमीनों पाकिस्तानी गद्दारों को नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और कहीं का नहीं रहेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। हमने वीर जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए इंदौर मोबाइल एसोसिएशन द्वारा बंद का आयोजन किया, जिसमें हमने मौन श्रद्धांजलि शहीदों को समर्पित करी और हम भर्त्सना करते हैं, इस निंदा करते हैं इस हमले की, जिसमें हमारे वीर जवान शहीद हुए। 40 जवानों ने अपनी शहादत दी है और इस देश में काफ़ी गुस्सा और आक्रोश है और हमें ईंट का जवाब पत्थर देने का समय आ चुका है और हम पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर देने के लिए तत्पर हैं। पुलवामा में हुए आतंकी हमले के विरोध में लगातार देश में अलग अलग तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार सुबह इंदौर के मुस्लिम समाज ने बड़वाली चौकी पर इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान मुस्लिम समाज ने पाकिस्तान हाय हाय के नारे भी लगाए। वहीं केंद्र सरकार से मांग की कश्मीर में अमन चैन कायम करवाने के लिए जो भी प्रयत्न हो वह करना चाहिए। वहीं मुस्लिम समाज द्वारा विरोध प्रदर्शन में शहर काजी इशरत अली सहित कई पार्षद और मुस्लिम समाज के नुमाइंदे मौजूद थे और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे के साथ जो जवान शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि भी दी। इंदौर से राजा खान की रिपोर्ट। अगर इस देश को बहुत मजबूत हम करना चाहते हैं, सियासत अपनी जगह है, वो उनकी दुनिया जाने, हम आम निकाय लोग हैं, अलग अलग मजहब के मानने वाले हो सकते हैं, पहले पर हम पहले भारतीय बन जाएं। सर सियासत की दुनिया नहीं, सर सियासत की दुनिया अलग है, सियासत की दुनिया अलग है। हम तो आम भारतीय लोग हैं, हम तो चाहते हैं कि हम पहले भारतीय बन जाएं और दुनिया को दिखा दें कि भारत बहुत ताकतवर देश है। कुछ लाख सैनिक हमारी सुरक्षा के लिए खड़े हैं, लेकिन उनके पीछे 125 करोड़ भारतीय खड़े हुए हैं। पुलवामा आतंकी हमले के बाद रविवार को भमौरी स्थित में ट्रांसपोर्ट व्यापारी द्वारा भारत के 9 जवान जो हमले में शहीद हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और पूरे क्षेत्र में व्यापारी द्वारा रैली निकालकर भारत माता की जय के नारे के साथ पूर्व भमौरी में भ्रमण किया। इंदौर से राजा खान की रिपोर्ट। अब ये जो पाकिस्तान ने जो बहुत ही गंदी हरकत की है, हम सब उसका विरोध करते हैं और हम शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। हम यहाँ से विजयनगर के चौराहे पे होते हैं, भमौरी चौराहे पे का समापन करेंगे, बाकी की बात आपको दादा बनेंगे। हम ये शांतिपूर्ण जो है आंदोलन कर रहे हैं और भारत सरकार से हम गुजारिश करेंगे कि जो हमारे सैनिकों का शहादत हुआ है उसका जोरदार तरीके से बदला लिया जाए। मानव मानसिक चिकित्सालय द्वारा नयापुरा स्थित उर्दू स्कूल में नशा मुक्ति शिविर का आयोजन किया गया। डॉक्टर राम गुलाम ने बताया है कि विगत 15 वर्षों से नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से शिविर लगाए जा रहे हैं, जिसमें हजारों की तादाद में नशे के आदि लोगों का इस शिविर के माध्यम से निःशुल्क इलाज किया जाता है। इंदौर से राजा खान की रिपोर्ट। करीब 150 मरीज रजिस्टर हुए जिनको परीक्षण कर इलाज दिया गया। इसमें जो इलाज में खास तौर से डॉक्टर कृष्णा मिश्रा, डॉक्टर मोनिका एवं डॉक्टर भूपेंद्र चौहान, इन्होंने मरीजों का परीक्षण कर इलाज किया। जिले के प्रभारी मंत्री आरिफ अकील आष्टा पहुंचे, जहां जनपद पंचायत के सभा कक्ष में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले महिला पुरुषों से चर्चा के पश्चात पत्रकार से चर्चा करते जनता दरबार में आए। नगर एवं ग्रामीण अंचल के महिला पुरुषों के साथ ही गरीबों की पीड़ा सुनने के साथ ही संबंधित अधिकारी व कर्मचारियों को तलब कर समय सीमा में कार्य करने के निर्देश भी दिए। आष्टा से मोहम्मद सादिक की रिपोर्ट। रविवार को ग्राम नजरपुरा में कुशवाहा परिवार में एक पारिवारिक कार्यक्रम था, जिसमें कुशवाहा समाज के सामाजिक लोगों द्वारा विगत दिन शहीद हुए जबलपुर के अश्विनी काकची और भी अन्य शहीद हुए सभी जवानों को आत्मीय श्रद्धांजलि सामाजिक बंधुओं ने 2 मिनट का मौन रखकर दी गई और ईश्वर से यह प्रार्थना भी की गई कि उनके परिवार को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करें और यह भी कहा गया कि ऐसे सपूत हर घर परिवार में जन्म ले। रहट गांव से श्री राम कुशवाहा की रिपोर्ट। सूत्र सेवा बसें देवास से इंदौर और इंदौर से उज्जैन संचालित हो रही थी। ग्रामीण क्षेत्रों में भी बसों को संचालन को लेकर लोगों की मांगे थी, जिसको लेकर 2 बसें रविवार से शुरू की गई हैं। एक बस रोजाना सुबह 10:30 बजे देवास से नेमावर की चलेगी और दूसरी बस सुबह 7 बजे देवास से हरदा चलेगी। बसें देवास से चलकर आष्टा कन्नौत खातेगांव नेमावर होते हुए हरदा पहुंचेगी। लोक निर्माण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने इसका फीता काटा, जिसके बाद मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने
हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना किया। देवास से राजेश पवार की रिपोर्ट। ये सुलभ परिवहन हो, लोगों को आसानी से अच्छी स्तर की बसें उपलब्ध हो जाए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ये आवश्यक था। इस समय सरकारी तंत्र बंद होने के बाद हम इस तरह की सेवाएं नागरिकों को उपलब्ध कराएं। एक मैं समझता हूं कि जिन रास्तों पर रेलवे ट्रैक नहीं है, जिन इलाकों में रेलवे ट्रैक नहीं हुआ, ये बस की सुविधा निश्चित रूप से यातायात को सुगम बनाएगी और लोगों को एक जगह से दूसरे पहुंचा पाएगी। जम्मू कश्मीर में गुरुवार को जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवंतीपोरा के पास गोरीपुरा में हुए हमले में सीआरपीएफ के 44 जवान शहीद हो गए। इसको लेकर छात्र एकता परिषद के छात्रों ने भी रोड पर सायाजी द्वार के सामने पाकिस्तान का झंडा रोड पर बनाया और जनता से अपील करी कि झंडे के ऊपर से अपने चार पहिया वाहन निकाले, इसका विरोध करें। साथ ही पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए कई लोगों ने रोड पर बने पाकिस्तान के झंडे के ऊपर थूका भी है। देवास से राजेश पवार की रिपोर्ट। आज छात्र एकता परिषद द्वारा हमने पाकिस्तान का राष्ट्र ध्वज सड़क पर बनाकर हमारा विरोध प्रदान करा है और हम इस विरोध से ये जताना चाहते हैं कि पाकिस्तान की औकात हमारे जूतों के नीचे है, वह एक नीच देश है। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे शहर के, आपके माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ कि हमारे शहर के सभी व्यक्ति एबी रोड से निकलें और उस ध्वज को अपनी गाड़ियों के और अपने पैरों के नीचे लें। जल संसाधन विभाग द्वारा भावसा वन परिक्षेत्र में डैम का निर्माण कार्य करने जा रहा है जिसकी लागत 104 करोड़ रुपए है और यह डैम जिले में सबसे बड़ा बनने जा रहा है। डैम बनने से क्षेत्र के किसानों को बहुत फायदा होने की संभावना है और इस क्षेत्र में जल स्तर बहुत नीचे चला गया है, इसलिए क्षेत्र में पानी की बहुत कमी है और किसान परेशान है। डैम बनाए जाने से आसपास के गांव को फायदा होगा। बुरहानपुर से शकील खान की रिपोर्ट। हम ये मांग करने जा रहे हैं कि कम से कम 70 जो लोग की जमीन जा रही है डूब क्षेत्र में, तो कम से कम भावसा जो सिंचाई है, तो हमारी चोली वन ग्राम में जो जमीन जा रही है, कम से कम मतलब जमीन के बदले जमीन मिल जाए तो ये भी अच्छा है। और अगर जमीन के बदले जमीन नहीं दे रही सरकार, तो कम से कम हमको पैसा मतलब कम से कम मुआवजा कम से कम 4 गुना मिल जाए हमको। भावसा सिंचाई डैम की सौगात जो है, तो हमारी विधायक माननीय दीदी अर्चना चिटनीस और महिला बाल विकास मंत्री, इनके योगदान से और माननीय हमारे सांसद नंद कुमार चौहान दोनों के योगदान से ये हमारा डैम का काम संपन्न हुआ है। और इसके बनने से अभी जो है हमारी हालत इतनी ख़राब है पानी की, इस साल भी हमारी जो केले की फसल है वो आएंगी और सब किसान जो है परेशान है। इस साल हमारे को पीने तक के पानी, तो ये अगर डैम बन जाता है तो हमारा एरिया सूखे और किसान भी सूखे हो जाएंगे और सबको सौगात मिलेगी। डैम के निर्माण के लिए एजेंसी तय हो गई है, उसने एग्रीमेंट भी कर लिया है, लेकिन क्या है कि इसमें जो जमीन डूब में जा रही है वो पूरी की पूरी वन भूमि है। 275 हेक्टेयर जमीन के लिए भारत सरकार वन मंत्रालय से उसकी स्टेज वन की स्वीकृति मिल गई है, अभी उसकी अंतिम स्वीकृति मिलना बाकी है, फाइनल क्लियरेंस होने के बाद ही उसका निर्माण शुरू कर पाएंगे। खिड़किया पुलवामा आतंकी हमले में हमारे 40 सीआरपीएफ जवान हम देशवासियों की सुरक्षा में शहीद हो गए, उनकी शहादत को हम सभी नमन करते हैं। सैनिक सहायता कोष में 5100 रुपए की राशि का चेक लोक अदालत खिड़किया में उपस्थित कलेक्टर एस विश्वनाथन को समाज सेवी गो भक्त पवन कुमार जैन की ओर से सुरेश भाफना जयप्रकाश चंद्रवंशी सुनील जैन आशीष समदड़िया द्वारा प्रदान किया गया और देश के शहीद सैनिकों को हमारे जवान अमर रहे भारत माता की जय नारे लगाकर श्रद्धांजलि की। हरदा से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट। ग्राम नांद्रा में रुबेला का टीका लगवाने के बाद से बच्चों के स्वास्थ्य में गिरावट आना शुरू हो गई है। कुछ समय बाद एक दर्जन से ज्यादा बच्चों की स्थिति अधिक खराब होने से 108 एम्बुलेंस का सहारा लेकर ग्रामीणों ने जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया जहां उपचार किया गया। प्राथमिक शाला नांद्रा में पढ़ने वाले बच्चों को रुबेला का टीका 13 फरवरी को लगाया गया, उसके बाद 17 बच्चे की स्थिति खराब हो गई। परिजनों ने इसकी सूचना अधिकारी कर्मचारियों को दी। हरदा से अर्जुन सेन की रिपोर्ट। देखो कि मैं नहीं आऊंगी, शुक्रवार तक आना होगा मेरा। मन की बच्चा कि बच्चा आप तुम कहीं भी ले जाओ, उसने यह बोला। आंगनवाड़ी वाली तो वो बीमार थी, मैंने बोला मन की आप वो जो मैडम है और भी दूसरी उनको बोल दो तो गाड़ी को व्यवस्था करवाए या हमारे को कुछ भी साधन से हरदा रिफर करवाए,
तो ये भैया मैं तो मैं ही बीमार हूँ, तो वो तो ज़्यादा कोई बोलने से मुताहत थी, और उसके लड़के जो बोल रहा है मेरे घर के सामने भीड़ नहीं होना, आप जाओ कुछ भी करो। पुलवामा में नापाक पाक प्रायोजित आतंकवाद के कारण हमारे 44 जवान शहीद हुए हैं। इस विभत्स घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। इसी तारतम्य में आज अमर वीर शहीदों की याद को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए तहसील खकनार में नगर के ग्रामीणों द्वारा आज रात 8 बजे मोमबत्ती जलाकर कैंडल मार्च निकालकर हमारे वीर जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर आतंकवाद का पुतला दहन कर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। खकनार से नगीन महाजन की रिपोर्ट। 14 फरवरी को जवानों पर हुए आतंकी हमले के खिलाफ शनिवार के दिन बागली तहसील का चापड़ा नगर पूर्ण रूप से शांतिपूर्वक बंद रहा। इस मौके पर पाकिस्तान एवं आतंकवाद के खिलाफ ग्रामीणों द्वारा पाकिस्तान की शव यात्रा निकालकर चापड़ा चौराहे पर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए पाकिस्तान का पुतला जलाया गया। बागली से लोकेश राजपूत की रिपोर्ट। उसी का विरोध हम पूरे क्षेत्रवासी मिलकर पुतला दहन किया है, और जो क्षेत्र की जो जनता है चापड़ा की जो नगर की है वो उनने अपनी मर्जी से पाकिस्तान का विरोध करने के लिए चापड़ा बंद। गत दिनों आतंकवादियों का निशाना बने भारत के वीर सपूत भारतीय सेना के 44 जवानों को श्रद्धांजलि देने खातेगांव नगर में युवाओं का जन सैलाब उमड़ा। राष्ट्रीय विचार मंच के बैनर तले डांग मांगला मैदान खातेगांव से शनिवार रात्रि को विशाल कैंडल मार्च नगर के प्रमुख मार्गों से निकाला गया। भारत माता के जयकारों से खातेगांव नगर की सड़कें गूंज रही थी। आतंकवाद मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद के साथ ही युवाओं का जन सैलाब हाथों में चिराग लिए वतन पर मर मिटने वाले शहीद देश भक्तों को श्रद्धांजलि देने पहुँचे। खातेगांव से प्रदीप साहू की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में भी कई स्थानों में पुलवामा आतंकी हमले में 44 जवानों की शहादत के बाद पूरे भारत में शोक और गुस्से की जोश जनता में देखी जा रही है। आज पूरे देश वीर सपूतों की याद में आंसू बहा रहा है। आज इन्हीं वीर जवानों की याद में जगह जगह पर कैंडल मार्च एवं पुतला दहन का कार्यक्रम किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ से आर स्टीवन की रिपोर्ट। देशवासियों से यही अपील करूंगी कि ऐसे गद्दारों को चुन चुन के हमारे देश से खात्मा करें, और ताकि ऐसे हमारे देश में कभी घटना ना हो। ऐसे हमारे वीर सपूत जवान हमेशा हमारे देश की सुरक्षा में तैनात रहते हैं, उनके प्रति कोई ऐसे। ये जो भी पुलवामा में जो आतंकवादी घटना हुई है ये सबसे शर्मनाक घटना है, और हमारे देश की जो माँ की जो सपूत लोग जो शहीद हुए हैं उससे पूरा देश की युवाओं का खून खौल रहा है। इसका बदला होना चाहिए, और हम सभी राजनीतिक दलों से भी निवेदन करेंगे सब एक होकर के, और पाकिस्तान को भरपूर जवाब देना होगा, तभी हम हमारी खून शांत होगी। पुलवामा में जिस तरह आतंकवादियों ने जिस कायरतापूर्ण तरीके से देश के शेर जवानों पे हमला किया, इसके विरोध में आज सुल्तानपुर नगर वासियों में देखा आक्रोश। नगर के सभी समाज के लोगों ने बस स्टैंड राम मंदिर रोड पर एकत्रित होकर 2 मिनट का मौन रखकर सभी शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। सुल्तानपुर से वीके जोशी की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी को आतंकियों द्वारा की गई कायराना हरकत में देश के 44 जवान शहीद हो गए। वहीं इस हृदय विदारक घटना के विरोध में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। नेपा नगर में भी आतंकी हमले के विरोध में विभिन्न संगठनों के लोगों और स्कूली छात्र छात्रा ने पुलवामा घटना को लेकर नगर के अम्बेडकर चौराहे पर भी सभी समुदाय के लोगों ने एकत्रित होकर पाकिस्तान का पुतला दहन किया। नेपा नगर से राजेंद्र गाड़े की रिपोर्ट। हम लोग यहाँ हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने आए हैं, और हम लोग सभी महिला और लड़कियों ने यहाँ पर मिलकर के उन्हें श्रद्धांजलि दी है। और हमारा ये मैसेज है पीएम से, नरेंद्र मोदी जी से, कि वो जल्द से जल्द कुछ करें और उनके परिवारों को उनका बदला दे, कि जिससे उनकी आत्मा को भी शांति मिले और उनका बलिदान व्यर्थ न जाए। अमर शहीद हुए हैं हमारे जवान, हम उन्हें यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए सभी छात्राएँ एकत्रित हुई हैं। हमारा उद्देश्य यह है कि हम हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को यह निवेदन करें कि वह हमारी आर्मी को यह आदेश दे कि वह हमारे शहीद जवानों का चुन चुन कर बदला ले। मैं निवेदन करती हूँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से कि प्लीज़ आप उन सभी को ऐसा आदेश दे जिससे कि हमारे देश के एक एक शहीद जवान का खून का एक एक कतरा जो बहा है उसका बदला लिया जाए। डिंडोरी जिले में कश्मीर के पुलवामा में भारतीय जवानों पर हुए आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को नम आंखों से श्रद्धांजलि देने के साथ ही लोगों में आतंकी संगठनों और पाकिस्तान के लिए भरी आक्रोश नजर आ रहा है। जगह जगह श्रद्धांजलि सभा के साथ ही आतंकवाद और पाकिस्तान के पुतले दहन किए जा रहे हैं। शोक सभाओं में युवाओं का आक्रोश और उनके खून का उबाल उनके व्यक्तियों में दिखाई दे रहा है।
जहां पूरे देश में भारतीय सेना पर हुए आतंकवादी हमले के विरोध में पाकिस्तान मुर्दाबाद आतंकवाद मुर्दाबाद जैसे गगनभेदी नारे लगाते हुए हर वर्ग आतंकवादी घटना की कड़ी शब्दों में निंदा कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में खातेगांव नगर के समस्त व्यापारियों ने पूर्ण रूप से अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। चमन चौक खातेगांव पर सर्वदलीय श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भी किया गया। खातेगांव से प्रदीप साहू की रिपोर्ट। स्वामी विवेकानंद शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के कार्यालय में रखी तिजोरी से 15 लाख रुपए से ज्यादा की चोरी हो गई। वारदात रविवार रात 11 बजे की बताई जा रही है। पुलिस ने दो संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है। दोनों ही कॉलेज के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। हरदा से अर्जुन सेन की रिपोर्ट।